सबके लिए ये जन्माष्टमी बहुत शुभ हो, सबके लिए ये आरती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये गुड मॉर्निंग है थोड़ी सी लेट की, 11:30 हैं और हमने यहाँ पर खाना तैयार कर लिया है। इसमें हमने बनाया है, देखो यहाँ पर हमने बनाया है आलू की रसेदार सब्जी बनाई है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। आलू की रसेदार सब्जी है ये, मुझे बहुत टेस्टी लगती है, पता नहीं क्यों। मैं इसके आलू का झोल भी बोलते हैं इसको आलू का झोल भी बोलते हैं। और यहाँ पर बनाए हैं राइस, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं इसमें राइस खाने के लिए, तो यहाँ पर हमने बनाए हैं यहाँ पर राइस। खुल जा, बहुत भयंकर गुस्सा है भाई। ये देखो राइस बन गए हैं यहाँ पर। जीरा राइस है ये नॉर्मल, क्योंकि हाँ, वेजिटेबल जीरा राइस है। आपने कभी ना खाए हो तो खा के देखना, आलू की टेस्टी सब्जी बनाओ हींग जीरे की। और उसके अलावा दही पेट सही करने के लिए, गिर जाएगी भाई। मेघा भी ना के आ गई है। आज मैं दुनिया का सबसे तेज नहा के आई हूँ, क्या पता कितनी जल्दी, ओनली 10 मिनट्स में। और आज हमारे केशव का बर्थडे, और देखो केशव के पापा ने पहना ये ड्रेस, कितना प्यारा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे केशव। और केशव की मम्मी सिलने जा रही है उसके लिए नई ड्रेस, जो कि अभी थोड़ी सी हुई है, और जो कि हमने खुद बनाई है ड्रेस, वो वाली हम मतलब आपको सिल के दिखाएंगे सामने, और फिर केशव को उन कपड़ों में दिखाएंगे, देखे कितने अच्छे लगते हैं। इसके पापा एक विशेष काम कर रहे हैं आज जन्माष्टमी के लिए, वो सरप्राइज है। तो जन्माष्टमी के लिए सोचो क्या काम कर रहे होंगे, और हम उसको डेकोरेट करेंगे फिर उसके बाद। अभी सारा सरप्राइज शुरू नहीं हो देंगे, अभी हम खाना खाने के बाद मिलते हैं, खाना खाने के बाद शुरू करेंगे और भी बहुत सारे काम। तो यहाँ से रुपए मैं सर्विंग के लिए शुरू कर रही हूँ। हमने कपड़े धो के सुखा तो दिए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो शाम तक सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, क्योंकि आज मौसम ऐसा हो गया है, और जिस दिन कृष्ण जी का जन्म होता है तो मौसम तो अपने आप ही ऐसा होता है, बारिश तेज आती है, तो आज भी बारिश का अनुमान पूरा है। देखिए बादल कितने तेज से आ रहे हैं। यहाँ पर हमने पायदान धोने की कोशिश करी है, लेकिन उतने अच्छे ये कुत्ता साफ नहीं हो पाया। ये कुत्ता किस काम आता है, या तो कोई सब्जी गिर गई, कुछ दही गिर गई, दही में खाना बनाया है और कपड़े धोए, और मेघा ने उधर डस्टिंग करी। थोड़ा मन खुश रहता है ना इससे कि मैंने चपाती बनाई है। मेरा भूल जाते हो भाई, दो रोटी बना के कह रही मैंने चपाती बनाई। बना रहे जिसकी आवाज आपको आ रही पेट में पच नहीं रही दोस्तों, ये बात पेट में पच। अगर इनको ये बोल दो ना आज इसको सरप्राइज देना है, गिफ्ट देना है, भाई उसको बंदे को जब तक बता नहीं देंगे तब तक इनको चैन नहीं आता। और ये देखिए ये बना रही है यहाँ पे कान्हा जी की ड्रेस। डबल करके स्टिच कर लिया और यहाँ पर स्लीव्स इसको ऐसे करके ऊपर आ जाएंगी इनकी, ये कोटी बन जाएगी इनकी, और इसके ऊपर इनकी पगड़ी बनाएंगे तब भी हम आपको दिखाएंगे। इधर ये देखिए लैस ये चारों तरफ लग जाएगी, गम से लगाऊंगी मैं, वैसे लगाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो गम से लगा देंगे लैस। बाकी डेकोरेशन और देखते हैं क्या क्या सामान रखा हुआ है। हमारा केशव ना इतना बड़ा है, मतलब इसकी ड्रेस हमने नाप के लिए फिर इससे लगाई है हमने ग्लू से, अब चल जाएगा ना वाइट। ओ ये तो मैं टूटा भी हुआ है पीछे से। हाँ ये चल जाएगा, इसको स्टिच कर दूंगी ना। वाओ अच्छी लग रही है ना। वाह
ये कभी यूज नहीं किए, यूज ही नहीं किए, ये हैदराबाद से लाए थे, तो उसके बाद कभी यूज नहीं करे। अब ये यूज आएंगे, देखिए ऐसे लगा दी शाइनेस के, जब रेडी हो जाएगी ना फिर दिखाएंगे हम इसको कि किस तरह से बनी है। तू काफी ले आओ, मेरे मुंह में फूटा ना। अगर ये सब मैं लेके आया नीचे डेकोरेशन का सामान, चाहे दिवाली हो चाहे कोई पूजा हो, तो ये वाले फ्लावर यूज कर लेते हैं हम। और ये बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं इन वाले को डेकोरेशन में यूज करना। हाँ ये वॉश करके रखे हुए हैं। और ये भी है, तो क्या हो याद आ गया वो सीन, वो उस घर के पूरा हमें जाता हूँ। फूटेगा ही मेरे ऊपर, मेरे मुंह पर फूटने वाला मुझे लग रहा है। ये ना इसको पहले ऐसे दिखाओ, ऐसा है अभी। मैंने बनाया, ये पापा ने बनाया तीन बार, ये पापा ने बनाया, पापा ने बनाया, पापा ने। और कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी लेकर आए हैं जो कि इस पर डेकोरेट किए जाएंगे। शर्ट चेंज करवाई गई है पापा की, क्योंकि क्योंकि पापा ऐसे लग रहे थे जैसे अभी बैंक में जा रहे हैं। नहीं बेबी सारा ही ऊपर लग जाएगा तो यहाँ क्या लगेगा, कुछ भी नहीं। ये तो वेस्ट में था ना, नंद गोपाल को झूलो हो रहा है तैयार, अरे झूलो हो रहा है तैयार, झूलावे यशोदा रानी, झूलावे अपने भजन। पापा आवाज कम करना, पापा आवाज कम करना, पापा की फुर्सत में डर लगता है। ये बाहर सेंटर टेबल आ गई है, ये मैं गई थोड़ी आवाज कम कर दो, कभी इस पर कॉपीराइट आ जाए। जय हो। नीचे ना कुछ उसके माला या कुछ ऐसा टांग दो जिससे ऐसे ऐसे करके ये मैं लेकर आना। हाँ दुपट्टा लो, उल्टा हो गया ऐसा को बिठा दो। हाँ दुपट्टा टांग अभी मम्मी। अच्छा चलो पहले फल आए हैं, ना ना गिरेंगे, गिरेंगे नहीं इनके ना, वो जो इनकी वो नहीं लाए।
अब हम लोग निकल पड़े हैं झांकियां देखने, नगर ब्रह्मन के लिए कृष्ण जी की झांकियां देखने निकले और नगर ब्रह्मन के लिए निकले हैं। वैसे लोग कह रहे हैं मंदिर में ही झांकियां लगी है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं अपनी सिटी की एक बार एक राउंड तो लगा के आना चाहिए। बच्चे तो बच्चे, जो बड़े बड़े लड़के हैं ना वो सींग लगा के जा रहे हैं, ये देखो मतलब बस ये चाहिए। और टाइम 11 बज रहे हैं अभी। धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, चलो तो बिल्कुल पास में। इस वाली जाके पे रश भी आप देखो ना तो कितना है। मम्मी ने भी यही सोच लिया कि भाई यार आज नहीं घूमने का फेस्टिवल पे तो चले। जय श्री राम। बहुत डेकोरेट हुआ। आ जाओ। हाँ हाँ पकड़ रहे हैं। Oh, my God.
जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक करके नए नए वस्त्र पहनाएंगे। नए वस्त्र पहनाने के बाद सब मिलकर उनकी आरती करेंगे और भजन करेंगे, क्योंकि 12 बज गए हैं और कृष्ण जी का जन्म हो गया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए बैठ गए लड्डू गोपाल जी, ये जलाभिषेक कर रहे हैं और कृष्ण, और ये देखिए केशव को अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पंचामृत से केशव का स्नान करवाया है। स्नान करवाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पंचामृत से स्नान होता है, इसमें है दही, दूध, घी, शहद और गंगा जल। ये पांच चीजों से मिलाकर लड्डू गोपाल जी का जल अभिषेक करते हैं। प्यारा बच्चा बन गए अब तो। ये कौन आया, ये हमारे घर लड्डू गोपाल जी आ गए। भैया ये तो लड्डू गोपाल जी आ गए। और ये वाली नई ड्रेस पहनाई जाएगी केशव को, जो कि उसकी मम्मा ने स्टिच की है। देखो कितनी प्यारी है ना। अच्छा मुकुट ये लगाऊं कि ये वाला लगाऊं, कौन सा लगाऊं? ये देखिए काना की ड्रेस पहनाई है। ऐसे करके और... अरे वाह कितना सुंदर तिलक है। वाह नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इसको पीछे डाल के ना आगे डाल देना। अच्छा निकी तो भी आता है क्या? जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो राधा रानी।
गई है बांसुरी, बांसुरी मिल गई केशव की, केशव के कपड़े, ये बांसुरी बजा लो प्रसाद है यहाँ पर, यह आप सबके लिए है। कन्हैया का आशीर्वाद आप पर सदा ही बना रहे। प्रसाद प्रभु, भोग लगा लो, भोग लगाओ। बाकी प्रसाद आप भी ग्रहण करें और इसके साथ ही और आप लोग भी आरती लें। हाँ, आरती सभी के लिए पसंद आया हो तो इसको अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो शर्मा ट्वीट ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर करें, कमेंट करें। आरती मेरे सब्सक्राइबर के लिए। जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया।